आप किधर से आए? सूरत से। सूरत से। और किधर गए थे? बॉम्बे। बॉम्बे क्या करने के लिए गए? काम करने गया था बॉम्बे में। फिर काम करने पसंद नहीं है, 24 घंटा टूटी गया, कम पगार दे रहे, वापिस चला आया मैं चलते चलते बॉम्बे से यहाँ तक। और आप मेरे आपने मेरे सेवा की थोड़ी हेल्प की, पैसा दिया, खाना दिया। नहीं, हमारा काम है, प्रभु की दया ने हमको दिया, हम आपको दिया। हमारा इंसान के ऊपर प्यार करना प्रभु ने सिखाया, इसीलिए हम भी सीखता है। और आप इसी को दूसरे के कि आज संसार में कोई किसी का नहीं है, आप चिंता मत करो, आप टेंशन नहीं लो, आपको जो खाना भी मिलेगा, पैसा भी है, और उसमें आपको उधर से मैं पकड़ के गाड़ी देता है, क्योंकि मैं तो भविष्य तक जा रहा है, मैं वही गरीब लोगों का सेवा करता है, ये मेरा काम है। चिंता मत करो, चिंता मत करो कि आज समाज में कोई आदमी क्या है क्या नहीं, अभी किसी को भी पता नहीं है कि आदमी के ऊपर कैसा प्यार करना चाहिए। दूसरे को दुख देख के कोई अपने को शांति नहीं मिलता है, दूसरे को सुख देख के शांति मिलता है। आपका आश्रु क्यों है? आपके अंदर ईश्वर का एक मंदिर है और आप रो रहे हैं, हम लोग को अच्छा नहीं रहे। नहीं, प्रभु हमारा काम करता है, हम प्रभु के नाम से हम सबको ही सेवा के लिए गरीब लोगों को जाता है, क्योंकि हम गरीब क्या देखा और अमीर क्या देखा है, देख के आए हम। कल मेरे पास सेवा की और आते आते मुझे पूछा है, मेरे हाथ में पैसे भी दिए, सब को दिया, मुझे खाना भी दिया। अभी नहीं, सही है, हमने नहीं दिया, ईश्वर ने दिया, ईश्वर आपको देता है, हम नहीं देता है। आपको खूब धन्यवाद है और आपको खूब धन्यवाद, कल मेरी इतनी सेवा कर रहे थे, पैसे दिए, मेरे हाथ में खाना भी दिया और मेरे को छोड़ने भी आता है, मेरी हड़की इतनी की है। तो क्या प्रभु ने हमको सिखाया, हम आपको ये बात कर रहे हो, मैं ही नहीं कुछ कर रहा है, वो कर रहे हैं, सब परमेश्वर की आत्मा ही कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर सकता है। संसार में इतना लोग है तो भी आपको किसी को हेल्प नहीं किया, क्योंकि किसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है ना, जो परमेश्वर के ऊपर प्यार करता है वो सच्चा ही अपना काम का आगे कर देता है, ऐसा ही। कोई किसी का नहीं है, जो भी आप लोग तकलीफ होता है ना तो आपके हाथ से सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। बीच में मेरे को ना जो एक पे दो लड़के आए ना, मेरे को सील दिया, पैसा वैसा जो गजे में से निकाल दिया, क्योंकि मैंने पेट्रोल पंप वाले को बुलाया, उसने मेरे को 1 लाख वहाँ पर सुलाया मेरे को और 50 रुपये दिया, क्या यहाँ से जा और अच्छा स्टेशन है वहाँ से, जो वहाँ से भी सूरत की ट्रेन नहीं मिली मेरे को, वहाँ से फिर चलते 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 यहाँ तक आया वहाँ पर। करेगा आपको, मैं उधर से देखता है कि गाड़ी मिलेगा ना तो रुका के, तो बोलता है उधर तक सूरत तक कितना जाता है उतना तक छोड़ देगा, गाड़ी देखेगा ना बाहर का गाड़ी कोई होएगा ना वो गुजरात का, तो आपको उधर छोड़ देगा। आप आया तो घर से किधर से? मेरे गाड़ी पे लेके गए थे एक्टिवा पे। ओ हां, कोई कुछ नहीं आया तो मेरे लेके के लिए लेने के लिए काम करने के लिए वहां पहुंच गए। 24 घंटा काम करता है, पैसा भी है। 24 घंटा ड्यूटी करो, बैठे रहने का कोई बात भी नहीं निकलने का, खुद के रहते लाइफ में कोई भागा में बैठे हुए कोई पैसा भी नहीं, मेरे को दिए नहीं। तो बॉम्बे सेंटर पे गया, बॉम्बे सेंटर पे ट्रेन ने वो दिए आधार कार्ड ने, सब कभी ट्रेन में बिना के लेने जाते। हाँ, अभी आधार कार्ड किधर मिलेगा? ऐसा तो यही नहीं हुई, उसके आधार कार्ड से सूरत में वोटिंग करना है, सब मेरा काम है, मैं किया, मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया। आप जो भी ऐसा नहीं सोचने का कि मेरा नाम उसका लेने का, जो प्रभु ने आपको दिया
ईसा मसीह हमारे लिए पुरुष पे मर गया और हम तीसरा दिन के लिए उठ गया कि दूसरा को दुख है उसको बचाने के लिए है, और उसका आदर्श लेके मैं आपके पास आया और आपको मैं ये बताया है। वो हमारा काम ही है, सेवा प्रभु ने हमको दिया है, हम वो दूसरे को देते हैं। वो क्या पैसा और खाना किधर है, जिसको जब को जरूरी है उसको नहीं मिलता है तो उसको क्या फायदा, आपका घर का कुत्ता भी खाता खाना। अगर आदमी को जब इंसान को नहीं मिलेगा तो उसको फायदा क्या होता है, ऐसा है ना। भगवान ने आपको मेरे पास भेजा, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद देने का, किसी को धन्यवाद नहीं देने का। वही ईसा मसीह जो हमारे लिए आए ना, उसी ने वो सब कुछ कर दिया। अभी मेरे को कैसा पता चला ये ऐसा होने वाला है, ये करने वाला है, ऐसा होने वाला है। मैं सोचा एक अच्छा आदमी चल रहा है, फिर भी मैं सोचा कि प्रभु तेरे नाम से वो खाना दे, इसीलिए मैं आपको खाना दे दिया। हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। वो मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता है उधर से, क्योंकि मैं तो उधर जाता था उधर भी छोड़ देता, मगर मेरे को उधर वो बच्चे लोग को खाना देने का है ना, इसीलिए मैं जा रहा है उधर। वो देता है बहुत देता है, क्या कम नहीं मेरे लिए, वो सब कुछ प्रभु ने दिया है। हमारे लिए प्रभु सब कुछ है और प्रभु ही सब देता है, मैं प्रभु के नाम से चलता हूँ। अभी क्या हम मूर्ति के भगवान के पीछे जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, भगवान मूर्ति का भगवान हमारे से खाता है और वो सूरज का ईश्वर हमारे लिए देता है, ऐसा है। आज के जमाने में लेके जाने के लिए भी डरता है ना लोग, ऐसा है। सेवा करने का डरने का नहीं, सेवा जो करने का है ना तो प्यार से करने का, जो मरना है तो प्रभु की मर्जी से मरता है, जीवन में छोड़ के चले। अच्छा कर्मों से कोई फायदे होते है, कोई नुकसान नहीं होता। आप कितना बजे से निकल गया था घर से? सुबह 6 बजे से निकला था, रात को 2-2 बजे तक चलता था मैं, और रास्ते में मेरे को ऐसा ऐसी तकलीफ हुई कि मेरे को एक दो एक्टिवा वाले लड़के मिले मेरे को, और मेरे गजे में खाली 87 रुपए पड़े है, वो भी लूट के लेके चले गए, वो भी नहीं रहने दिए मेरे पास। मेरे पेट्रोल पंप वाले ने मेरे को रुकाया, वहाँ पे सुलाया, 50 रुपया दिया, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ाई दूसरी से, ट्रेन भी नहीं मिली वहाँ से, मेरे को सुला दे वहाँ से, वापिस चलते चलते मैं घर इधर आया, वहाँ पे पहुँच गया, इधर आके फिर वापिस पहुँचे थे, चलता था चलते चलते इधर तक आया था। अंकल मिले रहे, अंकल ने मेरे बहुत सेवा किया, अभी सैंडल दिलाए, छतरी दिलाई, खाना दिलाया, सब कुछ दिलाए, सब दिया, नहीं हमारा काम है वो कर रहे हैं। आप ईश्वर को धन्यवाद देने का, किसी को धन्यवाद नहीं देने का, कि हमारा काम नहीं है तो वो काम परमेश्वर का है, प्रभु ने दिया है वो हमारे लिए, कुछ अच्छा काम करना करने के लिए इतना प्रभु ने दिया है तो उसको धन्यवाद हम देता है। इसीलिए तो मैं थोड़ा भी सोच के आपका गाड़ी के बारे में वो सब कुछ कर देता है। आप टेंशन मत लो, आप पूरा टेंशन है, सुरक्षित पहुंच जाएगा, तो प्रभु को धन्यवाद। सगळ्यांना मिळेल, घाबरू नका। थांब भेटेल भेटेल, सगळ्यांना भेटेल, घाबरू नका। आहे मला इथे
जाओ ना करें बस एक नंदन देव बस लाला